रामायण में डबल रोल करेंगे रणबीर कपूर, राम के अलावा मिल रहा है ये बड़ा किरदार। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी तिवारी एंड यू वाचिंग बीकेवी साउथ। नीतीश तिवारी की रामायण इन दिनों चर्चा में है, इसे लेकर आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स भी आते रहते हैं। कभी इसकी कास्टिंग को लेकर तो कभी स्टार्स के रोल को लेकर बस बना हुआ होता है। ताजा जानकारी ये आ रही है कि फिल्म में रणबीर कपूर सिंगल नहीं बल्कि डबल रोल करेंगे। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम जुड़ चुका है, उन्हें भी फिल्म में बहुत अहम रोल सौंपा गया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर रामायण में एक तो भगवान राम का रोल प्ले कर ही रहे हैं और दूसरा वो विष्णु के अवतार परशुराम का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। सोर्सेज के हवाले से ये खबर छपी है। इसमें बताया गया है कि रामायण में शिव के धनुष पिनाक के टूटने के बाद परशुराम और राम के बीच संघर्ष होता है। परशुराम राम को विष्णु का धनुष तोड़ने को कहते हैं, जिसमें राम के सफल होने के बाद वो उन्हें विष्णु का ही अवतार मानते हैं। इसके बाद परशुराम अपनी तपस्या से पीछे हट जाते हैं। हालांकि परशुराम का रोल इस महाकाव्य में कम ही है, मगर फिर भी मेकर्स इस चीज को बहुत जरूरी तरीके से पर्दे पर फिल्माना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये तय किया है कि परशुराम वाला किरदार भी रणबीर कपूर खुद ही निभाएंगे, जिसके लिए उनके गेटअप और मेकअप पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रामायण में अमिताभ बच्चन का नाम भी जुड़ गया है। वो जटायु की आवाज बनेंगे। भले ही बिग बी फिजिकल तौर पर फिल्म में दिखाई ना दे, मगर उनकी आवाज इस फिल्म में जरूर सुनाई देगी। रामायण में जटायु बहुत अहम माने गए हैं। यही वो है जिन्होंने माता सीता के हरण के वक्त उन्हें बचाने के चक्कर में अपने पंख खो दिए थे। बताया ये भी जा रहा है कि फिल्म मेकर ने जटायु के लिए वीएफएक्स को असली जैसा बनाने के लिए जुट चुके हैं और उनको असली दिखाने के लिए अमिताभ बच्चन की आंखों को भी स्कैन किया गया है। फिल्म में साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी और केजीएफ स्टार यश मूवी में रावण का रोल प्ले करते नजर आएंगे। हालांकि इस फिल्म को केजीएफ स्टार प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और अभी तक लेकिन इन सब चीजों को लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म की फर्स्ट पार्ट की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेकर्स ने इस फिल्म को लेकर ना ही कोई घोषणा की है और ना ही इस खबरों को कभी कंफर्म किया।